एक चीज मैं कहूंगा, एमआई ने एक बहुत ही गंदी टीम ही छोड़ा है यहाँ पे। तो फाइनली मैं काफी दिन बाद आया हूँ यहाँ पे इस चैनल पे, और आज हम कुछ अटपटी सी चीज करने वाले हैं। क्या है वो? है मिड रेंज पे, मतलब अगर 16 से 17 हज़ार के अंदर आप एक 5G फोन लेना चाहते हो, ऐसा जो एकदम धांसू हो, जिसकी मतलब गेमिंग कैपेसिटी बैटरी में और लुक में कैमरे में सबसे बढ़िया हो, तो वो है, गेस करो, रेडमी 11T 5G। ये बहुत ही सेक्सी फोन, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो हम इसको अभी 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 मैंने परचेस किया, ये ऑफलाइन परचेस किया। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको 17 हज़ार का कुछ पड़ रहा है, और ऑफलाइन लिया मैंने इसको 16 हज़ार में मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया डील। और दिवाली पे लिया तो दिवाली का कुछ एक्सटर्नल जो गिफ्ट है जो शॉपकीपर ने दिया, उसके लिए थैंक यू अमित मोहनवाल, बिहारी है ना, तो अगर बिहारी में हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ये बहुत ही, तो इसमें एक्चुअली मैं बता दें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, काफ़ी डिसेंट फोटो आती है, एकदम धांसू सी फोटो है, मतलब 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो ठीक ठाक है, है ना। देन इसकी एक्चुअली में 8 ये वेरिएंट जो है 8 128, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है। इसमें एडिशनल अपन 3 GB बढ़ा सकते हैं, वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया है। मीडियाटेक 810 5G डेमोंस्ट्रेटिंग के साथ है, बहुत ही सकती है, ठीक है। 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है अपन को इसमें, ठीक है। देन बहुत सारी चीज़ें, वर्चुअल रैम है, 5000 mAh की बैटरी जो लॉन्ग लास्ट चलेंगे 7 से 8 घंटे, IP53 रेटिंग वाटर, मतलब हल्के से पानी की छींटे पड़ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चलेगा, है ना, तो वो चीज़ देख लेना। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि सैमसंग ने काफ़ी ऐसे अच्छे फ़ोन जो IP67 रेटिंग के साथ आते हैं वो ले लो, लेकिन ये अगर ये बात करें तो ये बहुत ही प्यारा फ़ोन है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं ना। तो ये फ़ोन करे अनबॉक्स, बॉक्स में क्या मिलता है, पहले ये केसेस मिल जा रहे हैं, यहाँ पे ये केसेस है, इसमें देखते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे लिखा पावर्ड बाय रेडमी, ये फोकस नहीं कर रहा, सिनेमैटिक मोड में शूट करना भी है, तो वो चीज़ है। तो इसको देखेंगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एक सिलिकॉन कवर, ट्रांसपेरेंट, काफ़ी बढ़िया कंपनी ने दे रहा, ये यूज़र मैंने जानते हैं सब कुछ कैसा यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता एकदम बढ़िया ये फोन, मतलब लुक एट दिस, हाउ इट्स लुक, बढ़िया। तो इसको हम बूट ऑन करते हैं, दिस इज नॉट अ ड्रीम। तो ये है एक 5G फोन, इसमें और बॉक्स में देख लेते हैं अपन को क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है एक USB A2 Type-C केबल मिल रही है एक्चुअली में, और यहाँ पे एक मिल रहा है अब 33 वॉट का फास्ट सपोर्टिंग चार्जर, जो अपन ने अभी इसको, हालांकि मैंने ओपन कर लिया, दोबारा से अनबॉक्स करा है, ये मैंने सेटअप कर लिया फोन, और ये बढ़िया चलता है, वाह एक नंबर। इसका मतलब कैमरा अगर दिखाया जाए तो इसमें अल्ट्रा वाइड भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल, ये देखो कि मैंने एक फ़ोटो अपनी ली थी काफ़ी बड़ी, ये मैंने कुछ फ़ोटोज ली थे अपनी जो काफ़ी बड़ी है, मतलब ये मैंने जूम करके रखा वाइड, और ये देखेंगे मतलब काफ़ी सारे, बहुत डिटेल देखो, एकदम डिटेल्स देखो, एकदम बहुत ही क्रिस्प, अगर इसमें लाइटिंग है तो एकदम क्रिस्प फोटो, और एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल जो फोटो है ना, तो मतलब फोटोज़ में आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा। एक जैसे मिड रेंज फोन में, 4G फोन में एक चीज़ हुआ करती थी कि अपन को फोटो मिल तो रही लेकिन उसमें वाइड नहीं मिल रहा, तो अगर इसके बैक कैमरे में जाए तो यहाँ पे एक वाइड का ऑप्शन मिलता है। इसमें एक चीज़ के लिए मैंने रिग्रेट कर रहा हूँ कि इसमें स्लोमो 30 या 60 FPS से ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट में वो भी हो जाएगा। ये वाइड बहुत ज़्यादा वाइड यार, बहुत ज़्यादा भाई, 2x जूम है इसमें एक्चुअली में, अपन इसको 10x तक जूम कर सकते हैं, 10x तक जूम कर सकते हैं, ये काफ़ी प्यारा फोन, मतलब इसको अगर लुक वाइज में दिखा दूँ, इसको थोड़ी मैं इसके कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ, तो ये होगी ओवरऑल रिव्यू के बारे में। लेकिन अगर अंदर की बात करें जाए तो ये है रेडमी का, रेडमी फ़ोन क्यों लिया मैंने एक्चुअली में, इसका रीज़न ये था कि ये फ़ोन में अब सॉफ्टवेयर अपडेट और इसमें मतलब चलाने की जो काफ़ी अच्छा होता है, और बहुत ही सख्ती होती है, मतलब मीडिया 810 डायमेंशन के साथ बहुत बहुत
बहुत ही सही फ़ोन। और ये 5G फ़ोन है, इसमें 7 बैंड्स लगे एक्चुअली में, तो ये आईफोन 13 से मिलता जुलता है कुछ, है ना। तो इसमें देख लेते हैं, सेल्फी कैमरा भी बढ़िया, बैक कैमरा बढ़िया। इसमें एक्चुअली में ना ये तीन, ये कंपनी क्यों करती है हमें पता नहीं, ये कोई ऐसा कुछ फालतू सी चीज़ दिखाने के लिए अब AI लिखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये फ्लैश है, ये वाइड है 8 मेगापिक्सल का, और ये 50 मेगापिक्सल प्राइमरी एकदम। भाई इसका सेंसर देख के समझ में आता है कि इसमें कितनी 500 फोटो आ रही होगी। तो मैं इसकी कुछ फोटोज़ क्लिक कर दिखा दे रहा हूँ आपको। 50 मेगापिक्सल अपन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करी, ये देख पा रहे, नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करी, इसको अपन ये आप देख पा रहे हैं कितना भयंकर डिटेल है। मतलब आप देख रहे कितना सही डिटेल मिल रहा है अपन, जो डिटेल चाहिए थे एक्चुअली में फ़ोटोज़ के अंदर, काफ़ी बढ़िया। और आई गेस ये एक ऐसा फ़ोन है जो आपको परचेस करना चाहिए, अगर 16-17 हज़ार के अंदर फ़ोन ले रहे तो 11T 5G ज़रूर परचेस कर लेने पर, है ना। तो एक्चुअली मैं यहाँ से कुछ और भी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखा दे रहा हूँ। बाकी ओवरऑल फ़ोन बहुत बढ़िया, गो फॉर इट। और आपका क्या ओपिनियन है MI और Realme में? एक्चुअली मैं अपन ज़्यादातर Redmi के फ़ोन यूज़ करते हैं, मेरे पास Redmi 6 Pro था, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9 Pro, Realme 11T ले जाओ, 5G फ़ोन है, बहुत सही फ़ोन। बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो ये है एक 33 वॉट का फास्ट सपोर्टिंग चार्जर एक्चुअली मैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा MI ने ब्रांडिंग कर रखी है, ये आप देख पा रहे हो ऐसा चीज़ है, ठीक। यहाँ पे एक USB-C केबल मिले जो ठीक है, मतलब ये चलेगा है ना। तो यहाँ बॉक्स पे देख सकते हैं आप, काफ़ी बिकने वाला फ़ोन है ये, सिलिकॉन कवर, इसको अपन फ़ोन के ऊपर लगा देते हैं। तो दिखाते हैं अभी कुछ,